से ना कराओ, मैं तो कहती हूँ मेरे से कराओ, मेरे से मैम कैसे कराओ। देखा हाँ सीखा, ऐसे पटाती हूँ मैं, ये पटाती नहीं मैं, पटी पटाई आई हूँ। माता दी कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास है पूर्वी जी, हमारी इंस्टाग्राम स्टार, और बहुत प्यारी लड़की है। मुझे बहुत अच्छा लगा इससे काम करके। काम के अलावा भी मुझे इसके बारे में एक चीज़ अच्छी लगी, ये लड़की बिल्कुल मतलब अटैच रहती है, फैमिली जैसे फील होती है, मुझे अपनी बच्ची जैसी लगती है। और बहुत हेल्पफुल नेचर है इसका नेचर, मतलब मैंने इसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश भी की है, बट कई बार मैं फेल हो जाती हूँ क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट है। सो आज इस परफेक्शनिस्ट से दूसरे परफेक्शनिस्ट का काम करेंगे। इन्होंने कहा, हमने एक्सटेंशन किया था ठीक दो से तीन महीना पहले, आज वो रिफिलिंग के लिए आए हैं। हम उनके बालों में रिफिलिंग करेंगे, कलर नेचुरल पसंद है पूर्वी को, ज़्यादा चटे कटे कलर पसंद नहीं है, और प्रोटीन करेंगे। सो वो मेरे पास आए हैं और उनसे हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? ऑल गुड, आप बताओ। सॉरी हम ये ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास मेरी गुड़िया आई है। सो पूर्वी मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी मेरी बहन, आप प्लीज़ देखो, कोई हमने यहाँ पे आपसे डायलॉग वालों रीटेक नहीं लिया ना, तो ये जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन आपसे जवाब लूँगी। आपने जब एक्सटेंशन कराई थी कितने मंथ पहले कराई है? 3 महीने हो गए आपको एक्सटेंशन रखने को, क्योंकि आप तो बहुत शूट्स वगैरह में जाते हो, नॉर्मली पीपल इतने शूट्स में नहीं जाते। आप इतने शूट्स करते हो, स्टाइलिंग करते हो, कोई आपको दिक्कत आई हो? नहीं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आती, अच्छे से हो भी जाता है। और अपने बाल जो नॉर्मल जो हमारे बाल है उसके ऊपर ज़्यादा हीट भी नहीं होता, तो हमारे बाल भी बच जाते हैं, और एक्सटेंशन के ऊपर ज़्यादातर हीट लग जाती है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और स्टाइलिंग करने में फीलिंग में ऐसा आर्टिफिशियल बाल से कोई आर्टिफिशियल बाल नहीं लगते, बिकॉज ह्यूमन हेयर है तो ह्यूमन हेयर ही फील होता है। हाय हाय, सो स्वीट, मैं यही कहती हूँ इंसान हो ना, इंसान के बाल लगाया करो, सिंथेटिक ना लगाया करो। तो पूर्वी ने जब मेरे से ये मेरे पास गुड़िया मेरा बच्चा आई है दूसरी बार एक्सटेंशन के लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप मेरे पास पहली बार आए थे आपके बहुत सारे सवाल थे अबाउट रिफिलिंग, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बोल रहे थे, पर आपने मेरे पे ट्रस्ट रखा और आपने मुझसे काम कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इस चीज़ के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, कि किसी के बोलने पे भी आपने पीछे नहीं हट के आपने ट्रस्ट रखा। सो आपके क्या क्या सवाल थे प्लीज़ आप शेयर कर सकते? कुछ नहीं, जब मतलब मैंने आपसे करवा तो लिए थे, क्योंकि मेरे को एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था एक्सटेंशन करवाने का, और जब मैंने करवा लिए थे तब मुझे बहुत सारे लोगों ने उसके बाद में बोला था कि एक्सटेंशन के बाद जब बाल निकलेंगे तो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, और कुछ भी मुझे गलत फील भी नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ तो एक ही बार में जैसे अपने बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, वैसे ये वाले बाल भी स्ट्रेट हो जाते हैं, कर्ल्स हो जाते हैं, जैसे मोल्ड करो वैसे हो जाते हैं। अच्छे से आप हेयर बन भी बना सकते हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एक्सटेंशन में आप हेयर बन नहीं बना सकते हो, मैं तो हेयर बन भी बनाती हूँ, छोटी भी बनाती हूँ, दो छोटी भी बनाती हूँ, सब बना देती हूँ। यार बहुत बहुत प्यारे स्टाइल रखती है, मैं इसको देख देख के मैं फिदा होती रहती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगती हो तुम। आप लोग मेरे स्टाइल देखने तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, कितना क्रिएटिव स्टाइलिंग करती है, इतनी क्रिएटिव फोटोग्राफी होती है इसकी, और एक्टिंग मैं कितनी बार बोलती हूँ, मुझे बताइए कैसे क्या तुम्हें। सो अभी हम दिखा रहे हैं रिफिलिंग प्रोसेस में, हम इनका रिफिल कर रहे हैं, लड़के लोगों ने पहले वर्कआउट कर दिया, ये रिफिलिंग प्रोसेस है, और ये पूर्वी का अपना बाल यहाँ पे, और ये एक्सटेंशंस है। सो आपको कोई पेन हुआ हो जस्ट वो होल्ड करके खींचा है, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली तो जेन्युइन है, खोपड़ी में मेरे अटैच्ड है, इसलिए थोड़ा डोले वाला वाला खींच दिया। बाकी हाँ ये थोड़े से ऐसे ना, मैं मस्कुलर बेटा थोड़ा थोड़ा सा प्यार बेटा, वो लड़की नाजुक है बेटा, तू रफ एंड टफ है, वो बच्ची है, वो वैसे तुझे बड़ी लग रही है, वो बच्ची है। ये तो हम लोग अभी एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इसमें ये ही हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका बाल अपनी तरफ है, वो प्रॉपर जैसे हमने वर्कआउट किया है, और एक्सटेंशन अपनी तरफ है, एक्सटेंशन की क्वालिटी भी राइट नाउ बिल्कुल फ्रेशन अप है। सो अभी राइट नाउ हम रिफिलिंग रिमूवल कर रहे हैं। सो कोई ये बड़ी ये लड़की ये वाली बड़ी नाजुक है ना, वो भी ये सॉफ्ट कर रही है क्या ये भी? हाँ, सो ये भी लड़का अब सॉफ्ट करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट प्यार प्यार से, हाँ देखा निकाला। सो पूर्वी का बाल अपनी जगह और एक्सटेंशन अपनी जगह है। सो अभी हम इनके बाल को रिमूवल करेंगे, और रिमूवल करके प्रोटीन और कैरेटिन करेंगे, और उसके बाद फिर हम बहुत सारी रील बनाएंगे। हम देखा हाँ सीखा, ऐसे पटाती हूँ मैं, ये पटाती नहीं मैं, पटी पटाई आई हूँ।
ये एक नंबर लड़की है भाई, बहुत इतना अच्छा लेवल होके और इतनी डाउन टू अर्थ और कोई मिलावट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अच्छा है यार, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं? 2.7 है और कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती है और सबसे अच्छा आपका नेचर मुझे लगा, बहुत ही अच्छा उमदा नेचर है। और ये नहीं है कि आप मेरे पास आए हो इसलिए काम, ऐसा नहीं है भाई। मैं रो रही हूँ तब बंदी फ़ोन मिला, मैं क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे भी इतना कंफर्टेबल था, मैं इसको बोल देती बेटा ये कैसे किया आपने। सो बहुत ही अच्छा है, माता रानी आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, आपके सारे सपने पूरे। थैंक यू, आई लव यू डार्लिंग, ऑलवेज देयर फॉर यू। एक्चुअल लेंथ है, पहले से तो लंबा हो गया डार्लिंग, पहले इतनी लेंथ थी। अभी हम इनके बालों में एक्सटेंशंस करने जा रहे हैं, रिफिलिंग प्रोसेस हो रहा है। ये कलर है, ये बिफोर की लुक है और आफ्टर की लुक कुछ देर के बाद। फाइनल रिजल्ट, हमने पूरे बालों में एक्सटेंशन लगा दी गई है। पीछे से आप देख सकते हो कि बालों में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि इनका अपना बाल कहाँ है और एक्सटेंशन कहाँ है। ये 100% ह्यूमन हेयर की एक्सटेंशन है। रिफिलिंग प्रोसेस हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया था और अभी हम सामने दिखाते हैं हमारी डॉल को। मैं खुश हो गई। और ये बहुत चुलबुली सी है यार, और माता रानी ऐसा चुलबुलापन खत्म भी ना करे। ये फ्रंट से लुक है, देखो लेंथ, ये पहले भी बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा चीज पूर्वी के बाल में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा लंबा बाल उनको अच्छा लगता है, वो स्टाइलिश है। सो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा बीजन, आपका एक्सपीरियंस अबाउट द एक्सटेंशन कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सटेंशन करवा के, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आप लोग जो सोचते हो कि इसको लगाने से हेयर लॉस होगा या कुछ भी होगा, सब परफेक्ट अपने तरीके पे। आप भी लगवा लो यार, मुझे आते हैं लगाने में, जिनके छोटे बाल नहीं बढ़ते हैं आप लगवा लो आके। और रिफिलिंग प्रोसेस भी हमने आपके साथ शेयर किया है। मैं तो कहती हूँ ट्रेंड स्पेशलिस्ट से कराओ, अनट्रेंड से ना कराओ, मैं तो कहती हूँ मेरे से कराओ। मुझे शाम मैम कैसे कराओ।